हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कोई आपके लिए जॉब अपडेट्स तो नहीं लेके आए, लेकिन जो कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो ऑनलाइन टीचिंग के लिए या फिर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए आज कुछ सुझाव देना चाहता हूँ, कुछ बातें उनके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ, ठीक है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके मन में कोई डाउट हो तो शायद इस वीडियो से क्लियर हो जाए, ठीक है। दोस्तों, आपके लिए हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक ग्रुप बनाया जहाँ पे मैं रेगुलरली जो जॉब अपडेट्स होते हैं वहां पे पोस्ट करता रहता हूँ, तो मेक श्योर आपने हमारी उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर किया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे जहां से किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई वीडियो देखते हैं और वहां पे अप्लाई कर देते हैं, आइदर फॉर ऑफलाइन जॉब, ऑनलाइन जॉब्स, और फिर जो भी हमारे चैनल पे आते हैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग की जॉब पे, ठीक है। तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स मिलते हैं दोस्तों कि आपको वहां से रिप्लाई नहीं आता है। सो थोड़ा ध्यान देने जैसे चीज है, आपको रिप्लाई क्यों नहीं आता है, उसके दो ही कारण हो सकते हैं दोस्तों। एक तो आपका जो सीवी होता है या फिर आपका एप्लीकेशन होता है वहां पे सिलेक्ट नहीं होता है, या फिर वहां पे बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, इसकी वजह से आपका वहां पे एप्लीकेशन वो रिप्लाई नहीं आता है। जब भी देखिए दोस्तों, कोई भी आपको वीडियोस मिलते देखने के लिए कोई जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में, तो वहां पे अप्लाई करने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, और उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है 10, 20, 100, 200, थोड़ी बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, और उसके अगर हम कैलकुलेट करें तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा एप्लीकेशन वो वहां पे रिसीव होते हैं, ठीक है। सो वहां पे थोड़ा सा हमारे एप्लीकेशन वहां पे रिजेक्ट हो जाते हैं, या फिर बहुत रश होने के कारण हमारे एप्लीकेशन वहां पे सिलेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जब किसी प्लेटफॉर्म से आपको रिप्लाई नहीं आता है तो उसी प्लेटफॉर्म पे आप स्टक मत रहेगा, ठीक है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म आपको यूट्यूब पे अदर कोई प्लेटफॉर्म से वहां पे मिलते रहते, आप वहां पे अप्लाई करते जाएगा, कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि आपको रिप्लाई जरूर आता है और आप वहां पे सिलेक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी जो बात है, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे कमेंट मुझे ऐसे भी आते हैं कि शेक का या फिर कोर्सेरो का कोई सब्सक्रिप्शन ले लेके वहां से कोई अपने अर्निंग करना चाहता है। देखिए दोस्तों, जब आपको ये ऑनलाइन ट्यूटरिंग करना चाहते हैं या फिर एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पे काम करना चाहते हैं, तो देखिए एक आपका एक टीचर का रोल होता है, ठीक है। टीचर यानी कि टीचर एक ऐसा होता है कि वहां पे जो आपका सब्जेक्ट होता है उसका सब ऑल ओवर 90% आपका नॉलेज वहां पे आपको होना चाहिए अगर आप एज ए टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी हर 100% क्वेश्चन आ जाए वहां पे, हर एक क्वेश्चन का जो आंसर होता है मैं गूगल पे या फिर किसी भी पेड प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पे उनको पैसे देके मैं उनका आंसर खरीद के यहाँ पे अपलोड कर दूं और मैं यहाँ पे मेरी अर्निंग यहाँ पे कर दूं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि एक जो स्टूडेंट्स होता है वो टीचर से 100% एक्सपेक्टेशन रखता है कि वो जो आंसर होता है वो प्लैगरिज्म फ्री हो, मुझे आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। सो मेक श्योर अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास एक सफिशियंट नॉलेज आपके सब्जेक्ट का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कॉपी पेस्ट करके वहां पे अपलोड कर दे। क्योंकि दोस्तों मेरे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम शेक का या फिर कुछ न्यूमरेट का वगैरह ऐसा कुछ वेबसाइट से वहां पे हम सब्सक्रिप्शन लेंगे और जो कुछ हमें शेक पे कोर्सेरो पे क्वेश्चन मिलेंगे वो सीधा कॉपी पेस्ट कर वहां पे करेंगे और वहां पे जो आंसर होता है वो हम कॉपी पेस्ट करेंगे शेक पे और फिर वहां पे अपलोड करेंगे और हमारे यहाँ पे अर्निंग हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रहेगा दोस्तों। अगर आपके पास सफिशियंट सब्जेक्ट नॉलेज है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, वरना यहाँ पे अप्लाई मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट बेस होता है। और जो नेक्स्ट चीज है दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग के लिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे आपके पास मिनिमम एक एंड्रॉइड फोन होना चाहिए, रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और अगर जो हम बहुत सारे यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स होते तो वो वर्क फ्रॉम होम जॉब अबाउट 99% जॉब्स ऑनलाइन ही होते, यानी कि आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन मिनिमम एक आपके पास एंड्रॉइड फोन तो होना यहाँ पे जरूरी होता है। सो मेक श्योर आपके पास, क्योंकि मैं दोस्तों आपको ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों कुछ कमेंट्स भी आते हैं कि मेरे पास अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ। सो अगर आपके पास आज के जमाने में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप ये ऑनलाइन वर्क भी यहाँ पे नहीं कर सकते। सो मेक श्योर अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक रिलायबल नेट कनेक्शन होना चाहिए और
मिनिमम आपके पास एक एंड्रॉयड फोन हो चाहिए, और साथ में अगर आप आपके पास लैपटॉप है तो आप यहाँ पे मतलब अच्छी चीज है, ठीक है, आपके पास अगर लैपटॉप है तो। और एक बात दोस्तों मैं आपको चेक या फिर कोर्सेयर के बारे में यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, अगर एक बार आपका अकाउंट रिवोक होता है तो वहां पे फिर से रीइंस्टेट नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। पहले क्या होता था, जब कोई अकाउंट रिवोक हो जाता था तो उनकी थोड़ा रिक्वेस्ट करके हम वहां पे अपना अकाउंट रीइंस्टेट करवा लेते थे, लेकिन अभी वैसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि उनके पास अभी बहुत सारे एक्सपर्ट है, नए एक्सपर्ट आते हैं। सो एक बार अपना अकाउंट रिवोक हो गया तो हमारा अकाउंट रीइंस्टेट नहीं होता है। सो मेक श्योर आप जो भी आंसर कर रहे हैं वहां पे वो बिल्कुल केयरफुल आंसर करें, कोई भी प्लेगराइज्ड आंसर नहीं दे। और क्योंकि देखिए दोस्तों, जिन लोगों को शेयर या कोर्सेयरों के जो अकाउंट होते हैं उनकी प्रेशनिटी क्या है, मतलब उसकी कीमत क्या है, जिन लोगों को मालूम है वही आपको ये बता सकते हैं कितना केयरफुली आंसर वहां पे देना है। अगर आपको उस अकाउंट की, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे कोर्सेयरों पे या फिर चेक पे मंथली मिनिमम 3 से 4 घंटे काम करके मंथली यहाँ पे 30 to 35,000 यहाँ पे कमा लेता हूँ। सो मुझे मालूम है उस अकाउंट की कीमत क्या है। सो कोई भी मतलब पैसे की लालच में आके कोई भी इनकम्प्लीट आंसर दे या फिर कॉपी पेस्ट आंसर दे, ऐसा मत करो। आपको आगे जाके वहां पे बहुत सारे अर्निंग वहां पे होने वाले हैं, ठीक है। सो मेक श्योर आप वहां पे केयरफुली आंसर ही अपलोड करें। और जो लोग अभी फ्रेशर है या फिर जो भी अभी पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स है, उनके लिए देखिए दोस्तों, कोई बड़े प्लेटफॉर्म के बारे में मत सोचिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है कि जो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए देता है, और बहुत सारे ऐसे भी प्लेटफॉर्म है एक आंसर के लिए, एक सॉल्यूशन के लिए आपको 100 रुपए से लेकर 200 रुपीज तक देता है। यानी कि study.com है या फिर कोर्सेयर चेक, हमें बहुत सारा मतलब एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा हाई अमाउंट हमें पेड करते। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं दोस्तों की हमें इस छोटे छोटे प्लेटफॉर्म उनपे हमें काम नहीं करना है, जो बहुत सारे हमें पैसा मिलेगा वहां पे भी हमें यहाँ पे काम करना है। लेकिन दोस्तों जो ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं शेक, कोर्सेयरो या फिर study.com, वहां पे थोड़ा एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है। सो आपको एक्सपीरियंस कहाँ से लेना है, जो भी छोटी छोटी वेबसाइट्स होते हैं जैसे कि टॉपर हो गया, टॉपर है, कुंडूज है, फाइलो ट्यूटर्स है, वहां पे क्या होता है आप आंसर देते हैं, वहां पे एक आंसर के लिए आपको बहुत कम अमाउंट मिलते, 10 रुपए, 20 रुपए ऐसे मिलते, लेकिन वहां से जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमें वहां पे बिल्ड कर देना है। ऐसा नहीं कहना है कि नहीं नहीं वो छोटी साइट है वहां पे कुछ अर्निंग नहीं होते, वहां पे अर्निंग का आप मत सोचिएगा, पहले अपना एक्सपीरियंस बिल्ड कीजिएगा, ठीक है। सो हमें एक आंसर देने के लिए आपको वो मतलब क्या करना चाहिए, क्या क्या कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने, वहां पे मिनिमम आप 6 मंथ्स या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस गेन कीजिएगा, और फिर जाके जो ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे जाके अप्लाई कीजिएगा, जरूर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप वहां पे जरूर सिलेक्ट हो जाओगे। कहता क्या होता है, छोटे छोटे जो भी बड़े अभी जो बड़े जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली उस पोस्ट पे नहीं गए होते, वो छोटे छोटे काम करके आगे आगे जाके उस पोजीशन पे दोस्तों बैठे होते, ठीक है, ये रियल चीज है, ठीक है। सो पहले आप क्या कीजिए, अपना जो एक्सपीरियंस लेवल है वो थोड़ा बिल्ड कीजिएगा, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म साथ अपना जो करियर है वो स्टार्ट कीजिएगा, और फिर ऐसे बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे जाके आप जरूर वहां पे सिलेक्ट हो जाओगे। और वहां पे अगर आप एक बार सिलेक्ट हो जाते हो तो वहां पे भी आपको कोई भी दिक्कत आने वाले नहीं है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, ठीक है। सो मेक श्योर आप यहाँ पे कोई भी आपके पास चांस आए, कोई भी आपको पास मतलब एक चांस मिल जाए तो उसे गवाइए मत, वहां पे जरूर अप्लाई कीजिएगा और अपना वहां से करियर स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। सो ये कुछ बातें थी आज की वीडियो में, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। सो मेक श्योर इन बातों के ऊपर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और भी कोई दिक्कत है ऑनलाइन ट्यूटरिंग या फिर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के बारे में तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे वहां पे जरूर पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चंस की 100% आंसर देने की वहां पे जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में लगे फिर से नई जॉब अपडेट्स के बारे में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।